हेलो माय डियर व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड माय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में वीडियो लेकर आई हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सजेशन एंड रिक्वेस्ट जो मुझे आप लोगों से मिल रहे हैं। इन सजेशन से ही मुझे न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए आइडियाज़ और इंस्परेशन मिलता है। तो प्लीज़ कीप सजेस्टिंग द टॉपिक्स जिसमें आप लोगों को वीडियोज़ चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए भी मुझे रिक्वेस्ट आया था एंड इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ड्रग इन ऑप्थेटिक प्रैक्टिस, सो मैंने आज ये वीडियो बनाया है। ये जो ड्रग है, इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ प्री एक्लैम्शिया एंड एक्लैम्शिया। व्हाट इज़ प्री एक्लैम्शिया और ये एक्लैम्शिया, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं नेक्स्ट टाइम कभी डील करूँगी। यू नो दैट इट इज़ अ कंडीशन जिसमें प्रेगनेंट वुमेन शी डेवलप्स बीपी मोर देन 140/90 mm ऑफ एजी एंड शी ऑल्सो गेट्स प्रोटीनूरिया एलॉन्ग विद दिस शी मे गेट मैसिव एडीमा ऑल्सो। और इन्हीं दो सिम्टम्स में जब कन्वल्शंस भी ऐड हो जाता है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्लैम्शिया। सो मैग्नीशियम सल्फेट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंशन ऑफ कन्वल्शन एंड ऑल्सो ट्रीटमेंट ऑफ कन्वल्शन इन दिस कंडीशन। सो फर्स्ट लेट सी द मोड ऑफ एक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो है, इट ब्लॉक्स एंट्री ऑफ कैल्शियम इन द सेल्स। कैल्शियम जो बहुत ज़रूरी होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इट डिक्रीजेस प्री सिनेप्टिक एसिटाइल कोलिन एंड इट डिक्रीजेस सेंसिटिविटी ऑफ मोटर एंड प्लेट्स ऑफ एसिटाइल कोलिन। आई होप यू रिमेंबर, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जब इम्पल्स पास होता है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं और इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स के पास होने से ही वो मसल फंक्शन करता है। तो ये एसिटाइल कोलिन इज़ वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। तो इन तीन रीजंस की वजह से मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो एंटी कन्वल्सेंट का काम करता है। इट ऑल्सो हैज़ एक्शन ऑफ टोकोलाइसिस। तो इट इज़ अ टोकोलाइटिक एजेंट। इसका मतलब है कि ये यूट्राइन रिलैक्सेशन करता है। अगर पेशेंट को प्री मैच्योर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो इट विल ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग दैट। इट ऑल्सो कॉजेज वेजोडायलेशन, सो इट इंक्रीजेज ब्लड फ्लो टू ब्रेन, यूट्रस एंड किडनी। सो ये हो गया मोड ऑफ एक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो डिफरेंट रेजिम्स के तहत पेशेंट को दिया जा सकता है। वो जो दो डिफरेंट रेजिम हैं उसमें से एक है प्रिटकार्ड रेजिम, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें, और दूसरा जो रेजिम है वो जुस्पैन रेजिम जिसमें आईवी इंजेक्शन दिया जाता है। बिकॉज प्रिटकार्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली प्रैक्टिस्ड रेजिम, आई एम गोइंग टू डील विद दिस रेजिम टूडे। उसके पहले मैं आप लोगों को जुस्पैन रेजिम के बारे में बस बता देती हूँ कि जुस्पैन जो है इसमें लोडिंग डोज में 4 to 6 gram आईवी स्लोली 15 to 20 minutes में मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है और बाद में मेंटेनेंस डोज के लिए 1 to 2 gram पर आवर आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है। तो इसमें आईवी ही दिया जाता है, जबकि प्रिटकार्ड में हम लोग लोडिंग डोज में आईवी देते हैं और बाद में रिपीट इंजेक्शन जो है वो आईएम दिया जाता है। तो लेट्स फर्स्ट सी द रेजिम। प्रिटकार्ड रेजिम जो है उसमें लोडिंग डोज में सबसे पहले हम 4 gram 20% सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आईवी स्लोली देते हैं ओवर 3 minutes, ठीक है। उसके तुरंत बाद हम पेशेंट को 10 gram 50% सोल्यूशन डीप आईएम देते हैं, जिसमें हम 5 gram जो है दोनों बटक्स में देते हैं। मतलब हम लोग 10 gram एक साइड नहीं देंगे, 5 gram इन राइट एंड 5 gram इन लेफ्ट बटक्स। दिस इज़ द लोडिंग डोज। उसके बाद एवरी 4 hours हम मेंटेनेंस डोज देते हैं, जिसमें वी गिव 5 gram मैग्नीशियम सल्फेट 50% सोल्यूशन आईएम 4 hourly इन ऑल्टरनेट बटक्स, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एज ए नर्स आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, वो ये है कि ये जो 4 hourly आप इंजेक्शन दे रहे हैं, हर इंजेक्शन के पहले आपको पेशेंट का नी जर्क चेक करना है, उसका यूरिन आउटपुट चेक करना है। अगर वो 30 ml पर आवर से ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 12 per minute से ज़्यादा है और नी जर्क्स प्रेजेंट है तो ही आपको नेक्स्ट डोज देना है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ डिमिनिश लगता है तो आपको विथहोल्ड करना है और आपके ऑब्स्टेट्रिशियन को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अभी जैसे कि हमने देखा कि मैंने आप लोगों को बताया 20% एंड 50% सॉल्यूशन, तो वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक मैग्नीशियम सल्फेट का वायल है। जब भी आप मैग्नीशियम सल्फेट का वायल देखेंगे तो उसमें जो डोज रहता है इट इज़ नेवर रिटन इन ग्राम,
इट इज़ ऑलवेज रिटर्न इन परसेंट. ये अनकॉमनली मोस्ट कॉमनली अवेलेबल मैग्नीशियम सल्फेट का जो वायल, सॉरी इट्स नॉट वायल, इट इज़ एम्प्यूल, इसमें 50% सोल्यूशन है. तो पहले हमको समझना है कि 50% मतलब क्या. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेशन समझा रही हूँ. 50% ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट मीन्स 50 ग्राम of magnesium sulfate in 100 ml of water. Okay? तो अगर आपके पास 50% वाला, अगर सपोज आपके पास 20% है तो 20 ग्राम विल बी इन 100 ml. तो अभी हमारे ये एम्प्यूल में कितना सोल्यूशन है, इट इज़ ओनली 2 ml. तो अगर ये 50% वाला है तो ये 2 ml में कितना डोज आएगा, वो हम जानने के लिए हमें ये कैलकुलेशन करना है. यू कैन सी दैट 50% इन 100 ml, सॉरी आई विल राइट द अदर वे, 100 ml में 50 ग्राम अगर मैग्नीशियम सल्फेट है तो 2 ml में कितना ग्राम रहेगा. ठीक है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट. सो व्हाट वी विल डू इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे. सो इट विल बी 100x इक्वल टू 2 into 50. ओके, देन what is x? x is 2 into 50 divided by 100. okay, that comes to 1 gram. okay, yani ki 50% of magnesium sulfate ka jo ampule hai usme 1 gram MgSO4 available hai. okay, I hope this is clear. okay, the next thing which you have to understand is कि अगर आपको पेशेंट को 4 ग्राम देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आई विल शो दिस अगेन. अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पहले लोडिंग डोज में 4 ग्राम 20% सोल्यूशन देना है. नाउ यू डोंट हैव एनी 20% सोल्यूशन विथ यू, यू हैव 50% सोल्यूशन ओनली. सो 20% अगर सोल्यूशन आपको बनाना है विथ फ्रॉम द 50% सोल्यूशन, 20% मतलब 20 ग्राम इन 100 ml. ओके, सो आप अभी आपके हाथ में जो सोल्यूशन है वो है वो 50% का है. तो उसमें हमको डेफिनेटली जब हमको 20% बनाना है, यानी उसको हमको डाइल्यूट करना है, तो उसके लिए आपको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा. 20% मीन्स 20/100 इज इक्वल टू, आपको अगर 4 ग्राम देना है, यानी कि आपको 4 ग्राम देना है, यानी 4 ampule लेना है. ठीक है, 4 ampule यानी 1 ampule में 2 ml है. ठीक है, तो 4 ampule में कितना होगा, 8 ml रहेगा. ठीक है, नाउ यू वांट टू डाइल्यूट इट, सो यू वांट टू फाइंड आउट. सो इफ़ आप 4 ग्राम ले रहे हैं, यानी आई आर गोइंग टू टेक 4 ampule ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट विच कंटेन्स 8 ml ऑफ सोल्यूशन. सो 8 ml इज ऑलरेडी देयर, प्लस आपको अभी फाइंड आउट करना है कि आपको उसको डाइल्यूट कैसे करना है. सो लेट दैट थिंग बी y. सो नाउ अगेन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 8 + y मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल टू 4 into 100. ओके, सो दैट कम्स टू 8 + y इक्वल टू 4 into 100 by 20. ओके, and this will be 2 to the 4. okay, now y यहाँ पर जो है आ जाएगा 20 - 8. okay, so y is equal to 20 - 8, so it comes to 12 ml. यानी अगर आपको 20% सोल्यूशन 4 ग्राम का बनाना है तो आपको उसमें 12 ml ऑफ डिस्टिल वाटर मिक्स करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम 20 ml ऑफ सोल्यूशन, नॉट 20 ml, सॉरी, इट विल बिकम 20% ऑफ सोल्यूशन. सो जब आपको IV देना है तो सबसे पहले आप एक 20 ml का सिरिंज लेंगे, उसमें आप 50% सोल्यूशन वाला 4 ampule मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे, देन यू विल ऐड 12 ml ऑफ डिस्टिल वाटर और नॉर्मल सलाइन इन दैट. ओके, एंड देन यू विल गिव इट IV स्लोली ओवर 3 to 4 minutes. ओके, ये लोडिंग डोज हो गया. उसके बाद में इमीडिएटली आफ्टर दिस आपको IM लोडिंग डोज में ही आपको फिर से 10 ग्राम देना है IM, दैट इज़ 50% सोल्यूशन ओनली, सो नो नीड टू डाइल्यूट.
आप दो सिरिंज लेना है आपको, और उसमें ईच सिरिंज यू विल ऐड लोड 5 ग्राम यानी कि 5 एम्प्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट. ओके, 5 एम्प्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आप उसमें दोनों सिरिंज में लेंगे, और दोनों बटक्स में, राइट एंड लेफ्ट बटक्स में डीप IM आप देंगे. इसमें वन मोर थिंग आई हैव फॉरगॉट टू टेल इज, आप इसमें 2% ऑफ ज़ाइलोकेन भी ऐड करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी पेनफुल. सो यू विल ऐड ये 10 ml का सिरिंज आप लेना है, उसमें 5 ग्राम यानी कि आपको 2 ml 10 ml मैग्नीशियम सल्फेट लेना पड़ेगा, जिसमें आपको 1 ml ऑफ 2% ज़ाइलोकेन ऐड करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू गिव इन बोथ द बटक्स. ओके, सो दिस इज अबाउट द pritchard regime which I wanted to explain. So this was about the loading dose of magnesium sulphate. और उसके बाद में जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि एवरी 4 आवरली हमको 5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 50% वाला इंट्रामस्कुलरली पेशेंट को देना है. एंड वंस अगेन आई रिपीट दैट, आपको रिपीट इंजेक्शंस देने के लिए पहले पेशेंट का पैटेलर रिफ्लेक्स दैट इज़ नी जग चेक करना है, यूरिन आउटपुट जो है वो एटलीस्ट 30 ml पर आ रहना चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट शुड नॉट बी लेस देन 12 रेस्पिरेशन पर मिनट. अगर इनमें से कुछ भी चीज़ डिप्रेस्ड है तो यू हैव टू विथहोल्ड इट एंड यू हैव टू इन्फॉर्म योर कंसर्न डॉक्टर. मैग्नीशियम सल्फेट, अगर आपको लगता है कि पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी हो गया है, तो यू व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू विथहोल्ड द मेडिसिन, इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड स्टार्ट रिंगल एक्टेड सोल्यूशन, फास्ट रिंगल एक्टेड सोल्यूशन टू फ्लश आउट फ्रॉम द पेशेंट. देन पेशेंट को जो है मॉनिटर करना है कि कहीं उसे पल्मरी एडिमा तो नहीं हुआ, उसके लिए आपको पेशेंट का चेस्ट ऑस्कल्टेट करना पड़ेगा. ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड पेशेंट नीड्स टू, पेशेंट को अगर आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जा रहा है, तो यू मे हैव टू पुट द पेशेंट ऑन वेंटिलेटर. इसको लिए एंटीडोट जो होता है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट, दैट कैन बी गिवन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर. मैग्नीशियम सल्फेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन टू कंडीशंस लाइक माइस्थेनिया ग्रेविस एंड इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन. सो आई होप दैट ये मेरे जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगेगा मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में. दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर थियोरी बट इट विल ऑल्सो हेल्प इन योर प्रैक्टिस. जब आप एज ए नर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पेशेंट को ये डोज डिलीवर करने में हेल्प होगा. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग. बाय बाय.